शिवराज सरकार के चौथे वर्ष के कार्यकाल के दूसरे वर्ष पूर्ण होने पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पत्रकारों से की चर्चा। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए स्वच्छता, कोरोना काल की बिजली बिलों की माफी, आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप, स्वरोजगार, किसान कल्याण, गरीब कल्याण, कानून व्यवस्था, अर्थसंरचक, जिसमें प्रदेश में पिछले दो साल में 8,296 करोड़ रुपए से 5,322 किलोमीटर सड़क निर्माण व 963 करोड़ रुपए की लागत से 164 बड़े पुलों का निर्माण सहित लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां बताई। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा बताया कि मुझे एक प्रोजेक्ट जिला प्रशासन से प्राप्त हुआ है। मंदसौर शिवना नदी के अंदर मिलने वाली नाली और नाले का गंदा पानी शिवना नदी में आ रहा है, उसको नाले के माध्यम से शिवना के बाहर छोड़ा जाएगा। तीन छत्री बालाजी मंदिर से लेकर सितामो फाटक मुक्ति धाम लगभग 8 किलोमीटर पूरे बेल्ट को इसको शुद्ध करने की योजना बनी है। प्लांटेशन भी रहेगा और रिंग रोड भी बनेगा। जिला प्रशासन और नगर पालिका बनाकर राज्य शासन भेजेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि शिवना शुद्धिकरण को लेकर पर्याप्त धनराशि भारत सरकार और शिवराज सरकार से मिले। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हमने कभी नहीं कहा कि हमने इस बात का कभी कोई विरोध नहीं किया कि कौन समाज किस लड़की से विवाह करेगा। हम कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहते, लेकिन नाम छुपाकर विवाह रखा जाता। सेटिंग के माध्यम से अपना नाम और जाति छुपाकर सामने वालों को प्रलोभन देकर षड्यंत्र पूर्वक उससे विवाह कर लेना, यही लव जिहाद है। यही धर्म स्वतंत्र अधिनियम मध्य प्रदेश की सरकार, जो पहली हिंदुस्तान की सरकार है, कड़ी से इसको लेकर लागू करने का काम किया है। इसमें आंशिक सुधार का काम किया है। इसमें यह होगा कि और जो बड़ा काम हुआ है, अगर इसमें जो विवाह कराने वाली पार्टी है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म का धर्म गुरु होगा, वह सजा का पात्र होगा। अगर वह लड़का अपना समाज छुपाता है, शादी करता है, तो उसके माता पिता भी दोषी होंगे। और किसी भी धर्म का लड़का लड़की जिला प्रशासन और कानूनी तौर पर कोई आवेदन देकर विवाह कर सकता है। अपना नाम बताओ, आधार कार्ड बताएं, रफीक बनकर रवि शादी करे तो वह अपराध है और उस पर कार्रवाई होगी। और कुछ लोग देखने में आता है कि इस तरह का विवाह करने के लिए फर्जी आधार कार्ड परिचय पत्र बनवा लेते हैं। इस तरह की घटना उज्जैन में भी एक चूड़ी बेचने वाले के पास कई आधार कार्ड भी मिले थे। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भाजपा कार्यालय पर मीडिया से चर्चा करते हुए 1:50 पर शुक्रवार को बताया। संगठन की कुशलता और कार्यकर्ताओं को जो गढ़ने का काम करने वाला हमारा संगठन है, उसी संगठन के आधार पर मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सेवा करने का काम, विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमें प्राप्त हुआ है। चौथी बार के मुख्यमंत्री जी का यह 2 बरस पूरे हो गए हैं और इन 2 वर्षों में जो कठिनाइयाँ थी, जो चुनौतियाँ थी, वो कोरोना के कालखंड की थी। और 2 वर्षों में जिस प्रकार से सत्ता और संगठन ने, सरकार और संगठन ने मिलकर के कोरोना के संघर्ष पर सफलता प्राप्त की है, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो, कंसेंट्रेटर की व्यवस्था हो, संगठन के माध्यम से मरीजों की मदद करने का बीड़ा उठाया हो, वो सब काम सामंजस्यता के साथ हमने किया है। और 2 वर्ष की उपलब्धियों में अगर 19% से ज़्यादा हमारी GDP हो गई हो, अकेले किसानों के खातों में हमने इन 2 वर्षों में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 वर्ष की बात नहीं करूँगा, मात्र इन 2 वर्षों की बात करूँगा, जो भी हमको कमलनाथ जी की सरकार के अपदस्थ होने के बाद हमको जो नेतृत्व प्राप्त हुआ है, 1,72,000 करोड़ रुपये की राशि लगभग हमने डाली है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि को पूरे देश में लॉन्च करते हैं, तो अकेला मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में एक राज्य है जो 4,000 रुपये की राशि अकेला किसानों के खाते में डालता है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में सम्मान निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि पहुंचती है प्रतिवर्ष की। 80 करोड़ जो हमारे खाद्यान्न से जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं, जिनको हम PDS सिस्टम के अंतर्गत गेहूं और चावल देते हैं, पूरे हिंदुस्तान की संख्या है 80 करोड़। लेकिन मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो हमने जिस प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में जो नियमित गेहूँ और चावल मिलता था 2 रुपये किलो में और 1 रुपये किलो में, उसके अतिरिक्त 1 बरस का उन्होंने निशुल्क जो खाद्यान्न दिया है, विशेष करके चावल और
गेहूँ, ये गरीब और मध्यम परिवारों के लिए बहुत बड़ा संबल बनकर के सामने आया। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने संबल योजना बंद कर दी थी, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, लैपटॉप देना बंद कर दी थी, साइकिल देना बंद कर दी थी। इन सबको पुनः चालू करने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान ने किया और उसी के अंतर्गत आज निर्देश प्राप्त हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के आयोजन के माध्यम से इन दो वर्षों में जो हमने विकास किए हैं, दो वर्षों में जो सेवा की, जो जनसेवा की और संगठन के माध्यम से किए, उसको पत्रकारों के माध्यम से जनता तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर निर्देश प्राप्त हुए थे। मुझे कल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिला प्रशासन की तरफ से प्राप्त हो गया। बहुत अच्छा है कि आपने इस समय वो सवाल किया है। काफ़ी अच्छा वो प्रोजेक्ट बन करके आया कि नदी के अंदर जो मिलने वाली नालियों का और नालों का जो पानी सीधा शिवना में आता है उसको नालों के माध्यम से उसको बड़ा ट्रेंच खोद करके बड़ी नाला बना करके उसको शिवना के बाहर शुद्धिकरण के रूप में ले जाना, वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगना, वो जो अशुद्ध और गंदा पानी है उसको शुद्ध करना और इस प्रकार से शिवना का जो हमारा पशुनाथ जी का जो पूरा बेल्ट है तीन छत्री बालाजी खानपुरा से लेकर के मुक्ति धाम तक इस पूरे बेल्ट को लगभग जो 8 किलोमीटर है इसको शुद्ध करने की एक बड़ी योजना बनी जिसमें प्लांटेशन भी होगा, रिंग रोड भी इसमें बनेगा। सारा के सारा प्रोजेक्ट जिला प्रशासन के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से बनकर के राज्य शासन की ओर गया। मैं बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि शिवना के शुद्धिकरण के लिए पर्याप्त धनराशि भारत की सरकार से भी और राज्य की सरकार की ओर से मिले। इस बात का विरोध नहीं किया है कि कौन सा समाज की लड़की और कौन सा समाज का लड़का विवाह करेगा, कभी विरोध नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि नाम छुपा करके अगर विवाह का प्रपंच रचा जाता है, चैटिंग के माध्यम से अपना नाम और अपनी जाति और अपना समाज को छुपा करके सामने वालों को प्रलोभन दे करके षड्यंत्र पूर्वक उससे विवाह कर लेना, यही लव जिहाद है। और इसी धर्म स्वातंत्र अधिनियम को मध्य प्रदेश की सरकार, जो पहली सरकार है हिंदुस्तान में जिसने इसको कड़ी से लागू करने का काम किया, आंशिक सुधार उसमें किए हैं, इससे यह होगा कि दोनों पक्षों का, और इसमें जब बड़ा काम हुआ है, अगर इसमें जो विवाह कराने वाली पार्टियां हैं, फिर चाहे वो उस धर्म का धर्म गुरु हो, अगर वो भी इन्वॉल्व है, अगर वो भी शादी करवाता है, वो भी सजा का पात्र होगा। अगर वो लड़का जो जाति और धर्म और अपना समाज छुपा करके शादी करता है तो उसके माता पिता भी उसके दोषी होंगे। यहां तक कि जिला प्रशासन के माध्यम से अगर कानूनन रूप से कोई आवेदन दे करके किसी एक समाज की लड़की किसी एक समाज के लड़के से शादी करे, अपना नाम बतावे, अपना आधार कार्ड बतावे, अपनी ओरिजिनलिटी बतावे, अपनी जाति बतावे, अपना नाम बतावे और विवाह करे, तो लव जिहाद नहीं है। लेकिन रफीक रवि बन करके और अगर विवाह करेगा कैसे काम चलेगा? मैं रवि बोल रहा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, और बाद में रवि अगर रफीक निकल जाता है, यही लव जिहाद है। देखने में आ रहा है कि ऐसे लोग कभी आधार कार्ड भी फर्जी बनाकर घूम रहे हैं। निश्चित रूप से उज्जैन की घटना हुई थी, अगर चूड़ी बेचने वाला अपना तीन तीन चार चार आधार कार्ड रखे तो तू चूड़ी बेचना कौन इनकार कर रहा है? तो चूड़ी बेच, फेरी कर, कुछ भी कर, लेकिन ये घर में घुस करके इस प्रकार से फर्जी और नकली एंट्रियां दे करके लोगों को गुमराह करके जिस प्रकार से जिहाद करते हैं, यही लव जिहाद है।